हाय येलो, हाय येलो, हाय येलो येलो, हेलो गाइस। तो पापा खा रहे अपना लंच, ये मेरा है और एम्बर ने अपना खाया एप्पल खाना, और इसको एप्पल खाना है पतला सा स्लाइस। तो आपका दिन लेजी जा रहा है, कुछ भी आपने प्लान के हिसाब से नहीं किया। हाँ एक्चुअली जब हम लोग उठे मॉर्निंग में तो पानी नहीं था और पानी है भी नहीं अभी, जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया। गर्मियों के कट वैसे लेट लगने शुरू हुए पानी के, नहीं लगती नहीं है वैसे हो गया। मैं बड़ी स्लीपी हूँ अभी, अभी एम्बर के सोने का टाइम है, मुझे भी नींद आ रही है। अरे कल आप वो दिखा रहे थे ना अपना मेकअप का सामान, आई ब्रश, वो क्या था, आईब्रो है, वो दो आइटम दिखाए थे ना आपने, प्लकर और ब्रश। वो प्लकर था, वो मुझे लगा वो एम्बर के रोटी पकाने के लिए लिया। आज पता क्या हुआ, वी आर वेटिंग, आज क्या हुआ, आज पता क्या हुआ, आज सुबह ना एम्बर 14 मंथ की हो चुकी है, आज ऑलमोस्ट 14 मंथ के बाद ऐसा संडे था कि हम लोग आराम से उठे 9 बजे और एम्बर भी 9 बजे उठी थी बीच में, पर सुला दिया उसको और सो गई वो। उसके बाद हमने आराम से चाय पी और उसके बाद म्यूजिक सुना, काम करने के टाइम पे म्यूजिक सुना है ना, पंजाबी गाने चलाए थे। इसको क्या हो गया, आपने उठा लिया इसको? नहीं ये कह रही है कि मैं चुप। नहीं नहीं कभी भी नहीं बोला उसने मुझे उठाओ, वो तो बोलती है मुझे छोड़ दो मैं आजाद परिंदा हूँ। हाँ यार इसको अकेले खेलना, इसको कोई मतलब नहीं किसी से, मतलब बच्चे होते हैं ना कि उठाओ उठाओ, इसको है कि मेरे को बिल्कुल भी तंग ना करो, मेरे को खेलने दो। हाँ पी लो पानी कहाँ है पानी, इसको पानी पीना है इसमें। हाउ कम आज सब येलो बने हुए हैं? पहले एम्बर ने पहना, मैंने बहुत दिनों से आज मैचिंग कर रहे हैं। पहले एम्बर को पहनाया मैंने, उसको बात देके फिर मैं रेडी हुई, फिर थर्ड में कौन रेडी हुआ? मैं आपको चीज बताऊं, मैंने लाल टी शर्ट निकाल ली थी पहनने के लिए, ये मैडम येलो पहने, येलो सब येलो में है, ये मतलब आज जैसे जस्ट अनदर डे, लेकिन बहुत काफी दिन पहले भी रैंडम मैचिंग हो रही थी, सब लोग येलो पहन रहे थे, येलो नहीं ब्लू, कभी व्हाइट पहन रहे हैं, तो ऐसे मैचिंग हुई जा रही है अननोइंगली आज, लेकिन इन दोनों की शायद अननोइंगली हुई है, लेकिन मेरी जबरदस्ती करवाई गई है मैचिंग। ये देखो तो फिक्कर सा पहना दिया मेरे को, येलो है मेरे पास, राइट। हमने एक नहीं आज तो नहीं ली, पहले ली थी एक चादर, वो चादर भी येलो है, मतलब मैंगो येलो, और सोनिया उस पर लेटी हुई थी और ये सोनिया ने येलो पहना हुआ है, तो मेरे को लगा सोनिया की मुंडी है वहाँ पे, बाकी बॉडी है ही नहीं, मैं ऐसा ऐसे दूँ सोनिया सोनिया वहीं थी। फिर एम्बर पानी दे दो, मम्मा ने पानी दे दो, पानी मम्मा ने पानी पीना। अच्छा चलो ठीक है, वाहेगुरु जी कहते, वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी, डांस करते हैं क्या? ऐसी कोई दवाई वाई बनी हो बीमारी की बताओ, ताकि सब लोग खाएं और ठीक हो जाएं। अटेंशन चाहिए इसको और तो कुछ नहीं चाहिए। एम्बू एम वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। तो एक और चीज हमारे घर में आई है, ये है डंबल्स, नए डंबल्स आए हैं मेरे और दीपक दोनों के लिए। तो अभी दीपक वर्कआउट कर रहे थे तो दीपक ने यहाँ पे 2-2 किलो की प्लेट्स इसमें डाली थी, तो 2 किलो है, ऐसे उठाने में तो ठीक लग रहे हैं ये, मैंने अभी उठा के देखे हैं क्योंकि कल से आए हुए हैं और दीपक ने वर्कआउट करा था, तो मेरे पास 1.5 के थे और ये 2 किलो ईच है, तो मतलब 4 किलो का हो जाएगा, तो अच्छा है ये। और यहाँ पे दीपक आ गया, आज दीपक ने हमसे मैचिंग नहीं करी है हम दोनों से, तो क्यों मैचिंग नहीं करी, नाराज़ हो साढ़े नाल? क्यों आप पानी के कट लगवा रहे हो? हाँ कल भी नहीं पानी था, आज भी नहीं पानी था, कल पानी नहीं था इसीलिए हमने फिर ब्लॉग बंद कर दिया, बाद में ब्लॉग ही नहीं करा है ना। हाँ बहुत लोग बोलते हैं कि अम्बर बहुत क्वाइट बच्चा है, ये बहुत तंग भी करता है, अभी सुबह सुबह से बहुत बिल्लियों की आवाज़ें निकाल रही थी, अजीब सी शाउट कर रही थी, शिकायत लगा रही हूँ आपकी शिकायत लगा रही हूँ कि अम्बर तंग भी करता है,
अच्छा बच्चा है बट नहाने से पहले थोड़ा सा ट्रबल करता है। जब नहा लेती है, इसको नहाना बहुत पसंद है, तो इसको होता है कि मुझे नीट एंड क्लीन सा बना दो। सुबह उठ के चाय पीने से लेके जब तक मेरी क्लीनिंग वगैरह होती है तो ये ऐसे खेलती रहती है, तो उसके बाद ये थोड़ी सी हो जाती है कि मैं रेडी होकर बैठ जाऊँ। अब ये रेडी होकर बैठी है तो इसको चाहे 2-3 घंटे आप ऐसे बैठा लो, ये खुश रहता है ऐसे। इट्स डे 2 ऑफ आवर व्लॉग। बहुत लोगों के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बहुत क्वेश्चंस के आंसर देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं वीडियो में आंसर दूँ तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर एक कमेंट को रिप्लाई करती हूँ तो फिर बाकियों को कई बार नहीं वो आंसर मिलता। तो अभी सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि आईब्रोज कैसे किए जाए लॉकडाउन में। तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ आईब्रोज करने में, मुझे ना ही आते हैं, तो इसीलिए मैं प्लग करती हूँ अभी आईब्रोज। तो मेरे आईब्रोज की ग्रोथ वैसे ही पहले से ही कम है काफ़ी, और अच्छा है कि अभी मेरी ग्रोथ कम है तो अभी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इसका। तो बट फिर भी ग्रोथ आती है, थोड़ी सी क्लीन लुक चाहिए होती है 2 मंथ के बाद में। तो ये मेरे नेचुरल ब्रो है, देख सकते हो आप यहाँ पे, यहाँ तो ये ग्रोथ है अभी। आई थिंक ना के बराबर ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2-4 बाल आते हैं, यहाँ पे 1-2 आते हैं, तो मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ प्लकर के साथ। तो ये वाला ट्वीज़र, ये वाला प्लकर है, तो जब आप उसको अपवर्ड साइड्स पे कॉम करोगे तो आपको नीचे दिख जाएगी कि एक लाइन बन जाएगी, जो से एक्स्ट्रा है वही आपको निकालने होते हैं। तो पाउडर वगैरह आप लगा सकते हैं, मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे बहुत छोटे से बाल है तो मैं इनको इग्नोर कर देती हूँ, अगर कोई बहुत बड़ा बाल है जैसे कि ये वाले है तो उनको निकाल सकते हैं, तो प्लकर से भी इजी हो जाता है। बट ये बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्सफुली पुल करोगे हेयर को तो कट लग सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होता कि मुझे करवाने की ज़रूरत है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आईब्रोज फिल करती हूँ, तो इससे बहुत अच्छी लुक लगती है आपको। पेंसिल ज़रा प्रेफर करती हूँ। हालांकि ये बहुत लाइट ब्राउन सा कलर है, बट आई थिंक कैमरा में थोड़ा सा डार्क आ रहा है ये। और सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन ब्राउ, वो इंस्टेंट फर्क लग जाता है आपके फेस की लुक में जब आप आईब्रोज फिल करते हो। आजकल ना मेरा मन ये कर रहा है कि मैं जल्दी से पंजाब चली जाऊँ, मतलब वैसे मेरे को होता नहीं है कि मैं जल्दी किसी को मिस करती हूँ, मतलब मुझे अपनी कंपनी बहुत ही पसंद है, तो हम लोग जाते रहते हैं पंजाब, बट इस पर ऐसे हो गया कि मैं बस चली जाऊँ घर पे। और मतलब वो इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा लगता है, खुला खुला सा खेत, यहाँ पे बिल्डिंग्स देख देख के ना मेरा मन भर गया है। आपको अपनी खुद की कंपनी पसंद है? हाँ। आप और आपकी तनहाई बर्तन धोती रहती हैं, झाड़ू मारती रहती हैं, ये कहाँ से? मैं और मेरी तनहाई तो अक्सर बातें करती हैं। वो देखो अपनी तनहाई में बातें करने लगी हुई है, वो अपने ख्यालों में, वो अच्छा बच्चा है इस मामले में। उसको भी अपनी कंपनी में सिखा दिया है, उसको स्टार्टिंग में जब वो छोटी थी ना तब मैं उसको ज्यादा उठाती भी थी, मतलब ये था कि जब उठाना होता था तब उठाती थी, ऐसे नहीं था कि हमेशा उसको अपनी गोदी में लेके बैठती थी। और उसका फायदा आज मुझे मिल रहा है कि वो अपने खुश रहती है, अपना खेलती है मस्ती में, है ना। वेरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है सोनिया को। हाँ। अच्छा सोनिया क्या करती है ना, जब भी फोन पे अब किसी से बात होती है, अब मेरा क्या है, अब हम घर में रह रहे हैं, एम्बर कुछ ना कुछ नई नई एक्टिविटीज करती रहती है, तो माओ को क्या होता है ना बताना दूसरों को ना कि देखो हमारा बच्चा ना एक्टिविटी कर रहा है, तो फोन आता है या फोन जाता है जैसे भी है, तो पहले क्या होता था सोनिया खुद बातचीत करती थी, हाँ जी हेलो क्या हाल चाल है ये वो। अब पहला कैमरा ही एम्बर पे होता है, तो जो बंदा देख रहा है वो सीधा एम्बर पे देखता है, तो बस फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब सोनिया बोलती है अच्छा एम्बर ये करके दिखाओ, ऐसा नहीं, ऐसा करो अपने ऐसे हाथ ऊपर करके दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा एम्बर ताली मार के दिखाओ, तो एम्बर भी ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, सुबह आप योगा कर रहे थे, ठीक है, एम्बर का क्या हाल है कि जैसे पापा योगा करना स्टार्ट करेंगे तो अगर वो फ्लोर पे घूम रही है तो वो सीधा जाके पापा को हक करेगी और पापा का मुंह नोच नोच के खाएगी, वो ऐसी है। अब मैं आपको ठीक है, वो कर रही थी मैंने अगर मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से बात कर रही तो मैंने उनको ये बोला, मैं आपको बताता हूँ, सब समझ गए, पब्लिक समझ गई क्या हुआ मसले, समझ गई
अब मैं आपको बताता हूँ आइडली क्या होता है, जिस वक्त मेरे को योगा करना होता है ना, एम्बर अपनी सीट पे बैठी होती है, लेकिन नहीं आज ऐसा नहीं हुआ। आज फोन आया और एम्बर को सीट से उठा लिया गया। एम्बर स्टार्ट, एम्बर देखियो अभी एम्बर ने पापा के पास घूम के दिखाई, मैंने कहा अभी एम्बर क्या कर दिया, चक्कर मार दिया, अभी एम्बर पापा के मुंह पे चढ़ जाएगी और मैं ऐसे लेटा हूँ, मैं सारा देख रहा हूँ कब ये शो खत्म होगा और कब मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अब एम्बर पापा के मुंह पे चाटा मार के दिखाएगी। मैंने ऐसा तो नहीं बोला। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे मार के दिखाएगी। तो एम्बर मार रही है, ऐसे 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 मार रही है। तो अब देखना, अब देखना एम्बर पापा की आंखें निकाल के गोटियां खेलेगी। वो मेरी आंखें नोच रही। मतलब आपके कहने का मतलब मैं ऐसे लेट हो गया, बहुत हार्ड जा, अभी मेरे को योगा करना थी। एम्बर का क्या हाल है कि जब हम लोग सुबह सोए होते हैं ना, तो एम्बर पहले उठ जाती है, तो हमें आधा पौना घंटा उसके बाद सोना होता है, नींद आई होती है, तो एम्बर को मैं उसके क्रिब से उठा के अपने बीच में डाल लेती हूँ, वो वहाँ पे खेलती रहती है। तो उसका क्या सीन है, वो जाएगी, वो मेरे पास नहीं आएगी, मेरे टमी पे या मेरे साथ नहीं वो जफिया वगैरह, वो पापा के पास जाएगी, पापा के यहाँ पे वो चेस्ट पे चढ़ जाएगी और पापा के अपने पलके खींचेगी, बाल खींचेगी, पारियाँ करेंगी, किसेस करेगी, ताकि मतलब वो दीपक के साथ इतनी अफेक्शन दिखाती है ना सुबह सुबह। और वही हाल उसका योगा पे होता है, जब पापा योगा करना स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे लेटते हैं वो भागती है वापस जाकर उसने वही करना होता है। अभी देखो वहाँ पे वो पूरा अपना पढ़ने में बिजी है। देखो आपकी इन्हीं हरकतों को देखते हुए ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्या डबरू का नाच फोन आती डबरू निकाल जमूरे हो जाए शुरू और इधर ये जमूरी स्टार्ट हो जाएगी। इसको क्या बोल रहे बच्चे को अपने और वो जमूरा देखो 5 लीटर मंकीज मेरे को टेस्ट ऑब्जेक्ट बना के जमूरे अब इसके बाल पटके दिखा। कुछ नहीं है, अब देखो हर कोई फोन करता है ना, वो एक्सपेक्ट करता है कि वो एम्बर को देखेगा और एम्बर क्या कर रही है, एम्बर अच्छा एम्बर ये कर रही है, मैंने कहा हाँ एम्बर ये कर रही है, एम्बर क्या कर रहा है पुत्र, एम्बर फिर कुछ करके दिखा देती है, यही है ना। अभी एम्बर हर एक का सेंटर ऑफ अटेंशन। अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैडम एक्सप्लेन करती है कि ऐसा क्यों, ये ना एम्बर की आदत है, एम्बर को पापा की आंखें निकाल के गोटियां खेलने का बहुत शौक है। अक्सर दिन में 3-4 बार आंखें निकाल के गोटियां खेलती है। ऐसा भी फिर सोनी एक्सप्लेन करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या, ऐसा क्यों कर रही है एम्बर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। वैसे ना लोग मेरे को बहुत बोल रहे हैं कि वेट लूज ये वो, तो आपका क्या कहना है उसके बारे में। मेरे से पूछ रहे हैं। आपने उधर देखा ना, आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं, आप मेरे को देख के पूछते हो। हाँ जैसे वेट लूज तो सोनिया कर रही है, मतलब चल रहा है जी, जो इतना पॉज लेके बोल रहे इसका मतलब कि मोटी है तो मोटी ही रहेगी। मैंने ऐसा बोला, आपने सुना। 5 किलो वेट किसका गेन हुआ है? 5 किलो तो मेरा गेन हुआ है, एंड आई एम नॉट अशेम्ड अबाउट। 1 किलो किसका कम हुआ है? वो एम्बर नहीं, लेकिन सोनिया एकदम देखो डेडिकेशन देखो कितना, अभी आपको डंपल दिखाए, वेट दिखाया सोनिया ने, सब ऑनलाइन ऑर्डर किया, पैसे मेरे से लिए बट वो अलग बात है, लेकिन डेडिकेशन है भाई साहब। डंबल यूज किसने करी आज? वो आज अब घर में चीज पड़ी होगी तो यूज तो होगी ना। ना मेरा चलता है कि ये लिया इसने लिया वो लिया, मैं वैसे भी डंबल नहीं थे तो ऐसे वाले लेने थे, मैंने फैंसी लेने थे, अगर मैं खुद लेती तो ठीक है, ये आपने लिए इसलिए इतने वो ये फैंसी नहीं है, इसमें आप इसमें ये पैसे बचाओ है, अगर मैं दूसरे डंबल लेता तो वो लिमिटेड वेट होता है, इसमें आप प्लेट व्लेट डाल के एटलीस्ट ज्यादा वेट कर सकते, मतलब वेरी कर सकते हो, आपके लिए अच्छा है बल्कि। हाँ। नहीं तो फिर आप, मैं एक ही वेट लेके दे देता, वो आप बोलते अब मेरे को ज्यादा हैवी चाहिए। आपको वैसे एक चीज बताती हूँ, बहुत अच्छी बात, आप मेरे मुंह पे मत जाया करो, यहाँ पे मत जाया करो, ये चीज जो है ना मेरी मोटी है, आप मेरे एप्स पे जाओ। मुझे लगा आप बोलोगे मेरे कानों पे जाओ। एप्स पे जाओ, एप्स का बताओ ना थोड़ा सा कुछ। हाँ एप्स, सोनिया ने फैमिली पैक त्याग दिया है और 6 पैक्स का ऐप अपनाने की तरफ जद्दोजहद चल रही है और अच्छी जा रही और है और आ भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल एकदम आते हैं। तो वही है ना कि किसी ना किसी का अपना एक बॉडी एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है, किसी की आर्म्स कम होती है, लोगों की आर्म्स कम है, वो बोलते हैं मेरा पेट नहीं जा रहा, मेरा पेट नहीं जा रहा, मेरे ये मेरी आर्म जल्दी नहीं जाती, इतनी मोटी मोटी आर्म्स है, मेरे को मम्मी की याद आ जाती है बस जब भी आर्म्स की बात करते, सनी देओल की याद आ जाती है, तो मेरा पेट तो अभी अरे एप्स का तो ऐसे है कि मैं सोनिया को एक दिन बोला मेरा पाव खाने का मन है, सोनिया ने अपने एप्स दिखा दी, बोली ऐसे वाला ऐसा वाला पाव चाहिए।
नहीं सच्ची है यार, मतलब मेरा पेट अभी नहीं है, पाव का शेप बन गया था वड़ा पाव वाला। अभी सिजेरियन के बाद पेट बिल्कुल चले जाना बहुत बड़ी बात है, वो मेरा है ऐसा है, मेरे बट आर्म्स है। तो अभी किसी ना किसी का कोई ना कोई पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे फैट ज्यादा होता है, तो कोई इशू नहीं है, बस करते रहो। मुझे है कि मुझे करते रहना है, मुझे कोई मोटा बोले पतला बोले जो मर्जी बोले, मुझे करते रहना है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीन चीजें हैं मेरी अपने लिए, और मुझे किसी के लिए नहीं करना होता, मुझे अपने लिए करना होता है। ये बहुत अच्छी बात है, आप बहुत तरक्की करोगे। एम्बर सो गाइस, थोड़े से ऐसे दिन होते हैं जब कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता ना, चाहे वो एक रेगुलर लाइफ थी चाहे वो अभी लॉकडाउन में है, तो वो दिन अभी दो है। तो इस व्लॉग में मैंने कुछ ज्यादा बोला नहीं, बट एडवाइस जरूर अच्छी दी है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों चीजें याद रखोगे तो फैमिली पे खुश रहोगे, अपने आप के लिए खुश रहोगे। ज्ञान माता, हैशटैग ज्ञान माता, जय माता दी। चलो गाइस, विल फिनिश दिस व्लॉग हियर, विल कम बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय।